हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बिहार में आज तीसरे और अंतिम चरण का मतदान। जी हां, 78 सीटें हैं, 15 जिलों में सीटें हैं, इन पर वोटिंग जारी है। ये आज बिहार का अंतिम रण है। अंजाम तक पहुंचा रहा है मतदाता बिहार की इस महासमर को। आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश, जिन्होंने पूरे बिहार का एक तरीके से भ्रमण किया है, एक एक सीट पर पहुंचे हैं, वहां से आप तक वार पलटवार के जरिए जनता की नब्ज क्या है ये टटोलने की कोशिश की है, उसकी तस्वीर उकेरी है, वो जुड़ेंगे। हम अखिलेश के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बड़ी खबर जान लीजिए कि अब तक करीब 7% मतदान हो चुका है। बिहार चुनाव पर एबीपी न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तो बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल इलाके में आज वोट डाले जा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने, मोतिहारी, अररिया, सुपौल, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, ये वो इलाके हैं जहां आज वोटिंग हो रही है। 15 जिलों की 78 सीटें, हर खबर हर तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। और ये बताती चलूं कि आज शाम 5 बजे से एबीपी न्यूज पर जरूर देखिएगा एग्जिट पोल। नतीजे 10 नवंबर को, लेकिन उससे पहले ही एक तस्वीर जरूर उभर कर आएगी कि आखिरकार बिहार के मतदाता का झुकाव इस बार किस तरफ गया है। तो बिहार के पूर्णिया अब आपको लेकर चलते हैं। पूर्णिया में मतदान केंद्रों के बाहर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें। वोट देने आए लोग आखिर किस मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं? नाम पर, काम पर, वादे पर, मुद्दे पर? इसी सवाल के साथ जब मतदाता का मन टटोला तो तस्वीर क्या उभर रही है, निधि श्री की रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त धमदाहा के एक ऐसे मतदान केंद्र पर मौजूद हूं जहां पर मतदाताओं की लंबी कतार आपको कैमरे से दिख रही होगी। देखिए, हमने आपको ताकि तस्वीर सुंदर दिखा सकूं मतदाताओं की, इसलिए टॉप एंगल से तस्वीर दिखाने का सोचा है। और इस बार चुनाव किस मुद्दे पर, नाम पर, काम पर, किस पर? न हम लोग काम पर न हम लोग मतलब जैसे विकास पर, हम लोग जो है सुरक्षित पर, बाल बच्चा जो कहीं काम करती है ना तो बाल बच्चा सुरक्षित से आ रही है। हम भी जाते हैं हटिया बाजार, जाते हैं छीन छोड़ तो नहीं होता है, आराम से रहते हैं। सुरक्षा? हाँ, सुरक्षा रहते हैं। अच्छा, आप मतलब खा के आई है? खा कर तो नहीं आए हैं। किस पर वोट दे रही है? नाम पर, जाति पर, धर्म पर, काम पर, किस पर? हमे तो विकास पर दे छी, बाल बच्चा के भूख दुख मरी के पढ़ेलिए लिखेलिए, आगू चल के कुछ नहीं भा रहल छी। यहाँ देखिए पुरुष मतदाताओं की भी कतार है। नाम पर वोट दे रहे हैं, काम पर? काम पर हम लोग वोट देते हैं। जो ऊपर काम हो रहा है, नीचे काम हो रहा है, तो कामे के ऊपर हम लोग वोट देते हैं। आप? विकास पर दे रहे हैं। विकास हुआ है और चाहिए। नाम पर, धर्म पर, किस पर? विकास पर दे रहे हैं। विकास पर दे रहे हैं। आप अलग अलग इलाकों में हैं और अगर आपके क्षेत्र में मतदान हो रहा है तो एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है कि घरों में बैठे मत रहिए, घर से बाहर निकलिए। चाहे आप विकास पर वोट करें, या आपको चेहरा बदलना है विधायक का, या आपको बदलाव की राजनीति ही चाहिए, जो भी चाहिए उसके लिए आपको वोट करना होगा। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधि श्री, धमदाहा, पूर्णिया। तो एबीपी न्यूज अपील यही कर रहा है आपसे कि हाँ कोरोना काल है, हाँ संकट काल है, लेकिन लोकतंत्र को जिताने के लिए, कोरोना को हराने के लिए पूरी सावधानी से घर से बाहर निकलिए और जाकर वोट डालिए, अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग का दिन है तो। अच्छा, लवली आनंद है, सहरसा से उम्मीदवार है, सहरसा में वोट डाला है। इस बार लवली आनंद आरजेडी से चुनाव लड़ रही है। ये तस्वीरें लवली आनंद की आप देख रहे हैं, वोट डालने पहुंची पोलिंग बूथ पर। अच्छा, लवली आनंद के जो बेटे हैं वो शिवहर से चुनाव मैदान में हैं और खुद लवली आनंद जो हैं उनको इस समय आप देख रहे हैं सहरसा वोट डालने के लिए पहुंची हैं लवली आनंद। जहां 7 बजे से होना चाहिए था, 9 बजे के बाद भी वहां पर ईवीएम नहीं दिया जा रहा है और कहीं कहीं हम लोग दे रहे हैं, भाई 2 घंटे हो गया, लोग पर इस फोन किया जा रहा है तो क्यों नहीं करो। प्रशासन की तरफ से इस तरह से उसे डिस्टर्ब किया जा रहा है, घंटों महिलाएं, कहीं कहीं महिलाएं लौट रही हैं, कहीं महिलाएं बैठ रही हैं, कहीं एकदम स्लो कराया जा रहा है, तो इस तरह से परेशान हमारे वोटर को किया जा रहा है। और दूसरे जगह जहां बाकी लोग का है वोटर, वहां कोई दिक्कत नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से पक्षपाती जो हो रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग ये करेंगे। अभी हम लोग हर जगह देख रहे हैं, हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं,
तो चुनाव आयोग को भी फैक्स किया जाएगा, जा रहा है। कितने आश्वासित हैं अपनी जीत को लेकर? हमारा मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, इस तरह से डिस्टर्ब नहीं किया, तो जीत तो होगी ही, लेकिन डिस्टर्ब भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जीत तो है, ये है, जनता की जीत होगी। नीतीश कुमार ने कहा था कि ये इस बार उनका आखिरी इलेक्शन है, कैसे देखते हैं उनका ये बयान को, कोई इंपैक्ट? जनता तो उन्हें खारिज कर दिया है, तो वो अपने बोल रहे हैं हमारा है, तो जनता पहले खारिज कर दिया, जनता उनको संन्यास जनता दिला रही है, खुद वो नहीं ले रहे हैं, वो तो अभी कुर्सी में चिपके रहते, लेकिन जनता उनको खारिज कर दिया है, तो वो अपना इज्जत वो बचाने के लिए करें कि हम ये करेंगे। उनको पता, ये पता चल गया है कि इस बार जो है जनता उनको कुर्सी पर देखना नहीं चाहती है, उनको हटा करके वहाँ तेजस्वी यादव को देखना चाह रही है युवा ने। तो सहरसा से उम्मीदवार लवली आनंद को आप सुन रहे थे। अच्छा, मुजफ्फरपुर में पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें दिख रही है। वोटिंग करने आई महिलाएं अलग अलग मुद्दों पर वोट कर रही है। उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र ने। हम मुजफ्फरपुर में हैं। इस सीट पर नीतीश सरकार में मंत्री सुरेश शर्मा का मुकाबला इसी सीट से चार बार विधायक रह चुके कांग्रेस उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी से है। वोटरों की क्या प्राथमिकता है, वोटर किस मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं, बात करते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, आप क्या पहली बार वोट कर रही हैं? नहीं जी, दूसरी बार। दूसरी बार, क्या है आपकी प्राथमिकता, किस मुद्दे पर? एजुकेशन। अच्छा। जैसे हम लोग स्टूडेंट है, तो हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा होगा एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर आपका क्या मुद्दा है? रोजगार के मुद्दे पे। रोजगार के मुद्दे पर आप वोट डाल रही हैं। आप बताइए माता जी, आपका क्या मुद्दा है? रोजगार, गरीबी भागे रोजगार बढ़े। गरीबी भागे रोजगार आदमी दिए सरकार, और भागे रोजगार आए। आप बताइए क्या मुद्दा है आपका? मेरा मुद्दा है कि ना गरीबी भागे और अच्छा देश चले। अच्छा देश चले जी। आप बताइए जी। मेरा यही मुद्दा है कि कोई भी सरकार बैठे तो गरीब का ही ख्याल करे, अब बेरोजगारी को दूर करे। बहुत से लोग दुनिया में हैं जो बहुत करते हैं, जो सरकार में आ जाते हैं वो फिर भूल जाते हैं, कहते हैं लोग गरीबों को गरीब को भूल जाते हैं, और बहुत से लोग हैं जो बहुत बेरोजगार। उम्मीद से आप लोग वोट कर रही जी? कर रहे हैं कि जो भी सरकार बने अच्छा चले, अच्छी सरकार बने। आप बताइए आप? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा? बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। आप बताइएगा आपका क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोट करने आई आप? सरकार इतना नाम लोग को दिया के दाम उर्गा स्नान में क्या करें। ये तो खुशी से बोल रही है आप या ये व्यंग कर रही है आप? खाने पीने का इतना ना दिया कि बैंक बैलेंस बीमार के खर्चा बची ना रहा, इतना नहीं सरकार अन्याय कर दिया इंसान को। देखिए काफी नाराज है ये। आप बताइए किस मुद्दे पर वोट डालने आई हैं? हम लोग कोई भी सरकार जीते अच्छा से हम लोग को, बस गरीब को ही देखेगा, गरीबों का ख्याल रखेगा। वोटरों में जागरूकता है, अमीर को देखेगा खाली, गरीब को थोड़ा देखेगा। गरीब मर रहा है, कुछ कोई मतलब नहीं होगा। इतनी नाराज क्यों? नाराज रहेंगे तो क्या करेंगे? बाल बच्चा न पढ़ रहा न लिख रहा है, न कोई रोजगार है, तो रोजगार न बोलेंगे तो क्या करेंगे? तो आज वोटरों का दिन है और सरकार से लोग खुश हैं या नाराज हैं ये 10 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल ज्यादातर वोटर यही बोल रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता ये है कि जो भी सरकार आए वो शिक्षा के मोर्चे पर काम करे, गरीबों के मोर्चे पर काम करे। कैमरा पर्सन संजय तिवारी के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज मुजफ्फरपुर। तो ये वोटर के मन की बात आप सुन रहे हैं। यूं ही थोड़े ही लोकतंत्र में जनता जनार्दन कहा जाता है। अच्छा, आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं अब हमारे पटना स्टूडियो, जहां से इस वक्त आप देख सकते हैं अखिलेश मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा अखिलेश जो हैं पूरा बिहार घूम चुके हैं और अखिलेश आते भी बिहार से हैं, तो अखिलेश बिहार एक्सपर्ट अब आप बन चुके हैं और अखिलेश के साथ इस वक्त एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। तो जरा समझते हैं अब अखिलेश आनंद और उनके पैनल से कि अंतिम दौर बिहार किस ओर। अखिलेश जी देखिए, रोमाना सही कह रही हैं आप, बिहार में 9000 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों ने की है। एबीपी न्यूज चप्पे चप्पे पर पहुंचा है, हजारों लोगों से हम लोग मिलजुल चुके हैं। तो बिहार का मूड क्या है करीब करीब तस्वीर हमें समझ में आ तो चुकी है। और आज की जो लड़ाई है ना, आज जो मतदान है ये निर्णायक है। आज तमाम पार्टियों के लिए करो या मरो की स्थिति है, डू और डाई। आज जो बढ़िया करेगा सरकार उसी की बनने जा रही है, और जहां पर हम खड़े हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे पीछे बिल्कुल चंद कदम की दूरी पर बिहार विधानसभा है, यानी आने वाले दिनों में यहाँ पर कौन से एमएलए पहुंचेंगे, किनकी सरकार बनेगी, यहीं से तय होना है, जहाँ पर इस वक्त एबीपी न्यूज की ये टीम मौजूद है। और मेरे साथ देश के दो नामी गिरामी पत्रकार हैं, राजनीति की खबरों पर जिनकी जबरदस्त पकड़ है, प्रदीप सिंह जी हैं और अभय दुबे जी यहीं पर मौजूद हैं। प्रदीप जी, आपसे छोटा सा मेरा सवाल, जब मैं घूमा बिहार में कई लोगों से मिला जुला, एक परिवर्तन मैंने ये जरूर देखा कि अमूमन ऐसा होता था कि बीजेपी के जो वोटर होते थे या समर्थक होते थे बहुत वोकल होते थे, मुखर होते थे। इधर हम लोग बिहार में कहते हैं ना, बजते बहुत थे वो,
लेकिन इस बार मैंने देखा कि आरजेडी वाले ज्यादा इस तरीके से मुखर नजर आए। इसको हम किस तरीके से देखें, इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, मुझे तो जो आपने अभी माध्यम से पहले भी बताया, अभी सवाल में जो पूछा जानकारी थी, मुझे लगता है कि ये खतरे की घंटी है आरजेडी की। देखिए, कर्पूरी ठाकुर को पिछड़ों अति पिछड़ों ने, उसके बाद लालू यादव को अपना नेता जब। अच्छा, ये माइक सर, माइक। आपने जो जानकारी दी, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है। आरजेडी के लिए ही खतरे की घंटी है? निश्चित रूप से। अच्छा, वो इसलिए कि देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी को जब पिछड़ों ने नेता बनाया अपना, उसके बाद लालू प्रसाद यादव के छाते के तले गए, तो वो गए थे सवर्णों की दबंगई से परेशान होकर। अच्छा, कि यहाँ हमको जो है न्याय मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। लालू प्रसाद यादव के राज में ये हुआ कि 5 साल बाद स्थिति ये आई कि यादवों की दबंगई उसी तरह से अति पिछड़ों को परेशान करने लगी। इसलिए आप देखिए, जिस समय से अति पिछड़े अलग हुए आरजेडी से, सिर्फ एमवाई पर जो है आरजेडी नहीं जीत सकती। आप लगातार चुनाव देख लीजिए, विधानसभा देखिए, लोकसभा देखिए, जो हार है आरजेडी की, उसका एक बड़ा कारण ये है। ये जो बात कही जाती है ना कि लोग 15 साल का जंगल राज भूल गए, जो नए वोटर है उन्होंने तो देखा ही नहीं क्या हुआ था। दरअसल ये गांव गांव में, शहर शहर में ये जो दबंगई है, ये याद दिलाती है, ये डराती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है कि उसका रिएक्शन नहीं तो मेरा एक सवाल ये भी है ना, अभय जी, मुझे ये बताइए कि ये जो लोग बहुत मुखर हैं, बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं हर जगह, सभाओं में, टीवी कार्यक्रमों में, सड़कों पर, गली में, चौराहे में, अगर आरजेडी की तरफदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इसे आरजेडी वोट में तब्दील नहीं कर पाएगी क्या? फिर क्या इसका ये मतलब निकाले जो प्रदीप जी? अगर आरजेडी इसे वोट में तब्दील करेगी, अगर केवल इसी को वोट में तब्दील करेगी, तो वो सत्ता से बहुत दूर रहेगी। केवल यादव और मुसलमानों के दम पे राष्ट्र महागठबंधन चुनाव नहीं जीत सकता है। उनका मुखर होना इस बात का प्रमाण, एक प्रमाण के तौर पर ले सकते हैं कि उनका जनाधार उनके साथ है, वो वोट उनको मिल रहा है, वो मजबूती से उनके साथ है। हो सकता है पहले से भी ज्यादा बड़ी प्रतिशत में उनके पक्ष में वो लोग वोट करें, लेकिन इसके अलावा आरजेडी को चुनाव जीतने के लिए एमवाई प्लस चाहिए। उसे चाहिए कि जो अति पिछड़े हैं, अति पिछड़ों का एक हिस्सा उसे मिले। उसे चाहिए कि कुछ अपर कास्ट वोट, ऊंची जातियों के वोट भी उसे मिले। इसीलिए तेजस्वी यादव ने पहली बार आरजेडी के इतिहास में एक राजपूत को, जगदा रन सिंह को, अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। भाजपा से आए हुए कई ऊंची जात के उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया है, और कई उन्होंने कोशिश की है कि जो आरजेडी का जो कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया को थोड़ा विस्तृत करें। मुझे नहीं पता कि वो उसका फायदा होगा कि नुकसान होगा। नुकसान तो हो ही नहीं सकता है, होगा तो थोड़ा बहुत लाभ ही होगा। मतलब जो है, तो ये देखने की बात यह है कि क्या वो एमवाई को एमवाई प्लस में बदल सकते हैं। क्या उनके जो सहयोगी दल हैं, ऐसे कांग्रेस, वो भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत पुराना, मजबूत, जेबी, ऊंची जातियों का वोट है, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा भी भारतीय जनता पार्टी से छीन सकती है? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें 10 तारीख को मिलेंगे। 10 तारीख को मिलेंगे, लेकिन आज शाम 5 बजे से जरूर देखिएगा एग्जिट पोल एबीपी न्यूज पर, चूंकि तस्वीर क्या होने जा रही है बिहार की, लगभग करीब करीब वो साफ हो जाएगी। तो एबीपी न्यूज के साथ आज लगातार आप जुड़े रहिए। प्रदीप जी, आज सीमांचल के इलाकों में चुनाव है, ज्यादातर जो वोटिंग है वो आसपास के हिस्से जो हैं, सीमा पर बांग्लादेश से जो सीमाएं लगती हैं। मेरा सवाल यह है कि मैंने पिछले दिनों में देखा कि वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास दोनों तरफ से हुआ। योगी आदित्यनाथ जब यहां पर आए, उन्होंने घुसपैठियों को भगाने की बात कह डाली, दूसरी तरफ अब्दुल बारी सिद्दीकी ने गुजरात दंगों का जिक्र कर दिया था। क्या यह माना जाए कि सीमांचल का जो समीकरण है धर्म के आधार पर, उसकी गोलबंदी की कोशिश दोनों खेमों से की तरफ से की गई, जहां आज मतदान है? माइक ले लीजिए सर। सीमांचल में स्थिति बहुत स्पष्ट है, ये मुस्लिम वोट सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को जाएगा। कुछ इंडिविजुअल आप कैंडिडेट्स की बात छोड़ दीजिए, वरना इसमें कोई बंटवारा नहीं होने वाला है। तो ये चाहे जितनी कोशिश हो, दूसरी तरफ से जो कोशिश होती है कि इसकी प्रतिक्रिया हो और दूसरा जो संप्रदाय है वो एकजुट हो, केवल इतनी कोशिश होती है। लेकिन उस एकजुटता में यादव नहीं जाने वाला है, तो वो एकजुटता उस तरह से पूरी नहीं बनने वाली है। आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर अगर ध्रुवीकरण होता भी है तो उसमें यादव उधर नहीं जाएंगे जिधर हिंदू ज्यादातर रहेंगे, ये आप कह रहे हैं? वो जाति के आधार पर चीजें टूटेंगी। बिल्कुल, आरजेडी का एमवाई समीकरण इंटैक्ट है, ये चुनाव दर चुनाव दिखाई दे रहा है। जब बहुत ज्यादा निराश होते हैं तो थोड़ा सा मतदान कम हो जाता है, बस इतना फर्क होता है। बाकी उस समीकरण में अभी तक कोई
जो है छेद नहीं कर पाया है, उसको कोई तोड़ नहीं पाया है। लेकिन वही जो अभय जी ने अभी बात कही, जब तक MY प्लस नहीं होगा, जब था 15 साल राज किया लालू ने, जैसे ही वो खत्म हुआ उनका राज चला गया और वो फिर लौट कर आने वाला नहीं है जब तक MY प्लस नहीं होता, जो मुझे कम से कम जितना मैं देख पा रहा हूँ इस चुनाव में होता हुआ नहीं। नहीं, लेकिन सवाल ये है ना कि क्या मुद्दे फिर नहीं है अभय दुबे जी? बेरोजगारी को लेकर बढ़ चढ़कर बात की गई, नौकरियों की बात की गई और यहाँ तक कहा गया कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों की जो बात कही है वो एक तरीके से ट्रम्प कार्ड है उनके लिए। देखिए, ये एक ऐसा चुनाव है, अपने आप में एक अनूठा चुनाव है, जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष है उसने एजेंडा सेट करने की शुरुआत की है। जब तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों का वायदा किया तो भाजपा की तरफ से और RJD की और राजग की तरफ से इनका मखौल किया गया, मजाक उड़ाया गया। बाद में भाजपा ने 19 लाख रोजगार पैदा करने की बात की, नौकरियां देने की नहीं। लेकिन जनता किस रूप में देख रही है 10 लाख के वायदे को? आम तौर पर लोग कहते हैं कि भाई अच्छा ये झूठ बोल रहा है, बढ़ा चढ़ा के वायदा कर रहा है। तो क्या हुआ, 4.5 लाख पद तो सरकार में खाली है। अगर ये मुख्यमंत्री बनने के बाद 4.5 लाख नौकरियां भी दे देगा, इसका मतलब इसका वायदा 50% देखिए। कुल मिलाकर एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आज अंतिम लड़ाई जो इस वक्त चल रही है बिहार में, तीसरे दौर के लिए मतदान 78 सीटों पर जारी है। बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए, बस छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे। तो फैसला कर रहा है बिहार कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि ये तीसरा और अंतिम चरण, 2,35,00,000 वोटर हैं और लोकतंत्र के इस पर्व में हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। कटिहार में 100 साल के बुजुर्ग सुखदेव मंडल वोट डालने पहुंचे, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कटिहार के बलुआ में 100 साल के बुजुर्ग को उनके घर वाले बाकायदा खाट पर लेकर आए पोलिंग बूथ तक, बुजुर्ग को वोट डलवाया। एबीपी न्यूज भी आपसे अपील यही कर रहा है कि अगर आपके इलाके में आज चुनाव हो रहा है तो वोट जरूर दीजिए। ये प्रेरणा स्रोत है इस तरीके की तस्वीरें, और इसीलिए हम एबीपी न्यूज पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मतदान कीजिए, अपना फर्ज निभाइए, स्याही लगी उंगली के साथ अपनी सेल्फी हमें जरूर भेजिए, हम उसे एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बिहार की जनता आज आखिरी मोहर लगा रही है, क्योंकि बिहार में आज अंतिम और तीसरे चरण के लिए वोटिंग चल रही है। 15 जिलों की 78 सीटें जहां वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों पर तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, वोटर्स की कतार सुबह से जारी मतदान में अब धीरे धीरे जाकर तेजी आती हुई नजर आ रही है। अच्छा देखिए, खास बात यह है कि मतदान केंद्रों पर महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट डालने पहुंच रही हैं। आपको बिहार के 4 शहरों की ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं किशनगंज भी है, दरभंगा भी है, समस्तीपुर, पूर्णिया, ये सीमांचल मिथिलांचल के इलाकों की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां वोट डालने के लिए घरों से लोग निकल पड़े हैं। एबीपी न्यूज के संवाददाता हर सीट का अपडेट और तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस सब के बीच बिहार में तीसरे दौर के लिए वोटिंग के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ट्वीट सामने आ गया है। नीतीश ने मतदाताओं से वोट जरूर डालने की अपील की है। नीतीश कह रहे हैं, आपका एक वोट बिहार में विकास की गति जारी रखते हुए इसे एक विकसित प्रदेश बनाएगा। तो बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए नीतीश कुमार वोटर को उसके एक एक वोट की कीमत बता रहे हैं अपने इस ट्वीट के जरिए। ये ट्वीट नीतीश कुमार का तीसरे चरण के मतदाताओं से अपील है कि जिम्मेदारी निभाते हुए वोट जरूर करें। आगे अपने ट्वीट में नीतीश कुमार लिखते हैं, आपका एक वोट विकास को जारी रखते हुए बिहार को विकसित प्रदेश बनाएगा। तो ये वोट की अपील जो नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। अच्छा, अगर इस तीसरे चरण की मैं बात करूं, ये 78 सीटें जहां आज वोट पड़ रहे हैं, 2015 के चुनाव की अगर बात की जाए तो करीब 60% के आसपास मतदान हुआ था इन 78 सीटों पर। और ऐसे में आज नीतीश कुमार का यहां वोटर्स से अपील करना कि घर से निकलिए, वोट जरूर दीजिए, मायने रखता है। इन्हीं मायनों को समझने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं पटना स्टूडियो से, अखिलेश हमारे साथ हैं। अखिलेश, बिल्कुल रुबाना, देखिए जी, लगातार जो हम लोग कह रहे हैं ना कि खबरों, जो चुनावी खबरें होती है उसका सीधा सा मतलब एबीपी न्यूज है, उसके पीछे वजह भी है, न सिर्फ ग्राउंड जीरो से, बल्कि जब आज हम पटना में हैं तो बिहार विधानसभा परिसर से सबसे बड़ी कवरेज लेकर हम जनता के सामने हाजिर हैं। तमाम अलग अलग दलों के नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और देश के जो बड़े पत्रकार हैं,
पॉलिटिकल न्यूज जो खबरें होती हैं उसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। प्रदीप सिंह जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, अभय दुबे जी मेरे साथ हैं। और अभय जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है जो अभी थोड़ी देर पहले खबर दर्शकों को रोमाना दिखा रही थी स्टूडियो से, कि नीतीश कुमार ने जनता से अपील की है कि विकसित बिहार के लिए वोट करें। 15 साल सत्ता में रहने के बाद अगर वो कहते हैं कि विकसित बिहार के लिए वोट करें, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, उनका कहना है कि हमारे काम पे वोट कीजिए। वो अपने इंटरव्यूज में भी, दूसरी जगह पे भी लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हमारे काम पे वोट दीजिए। उनके जो विरोधी हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि इन्होंने काम किया नहीं है, इसलिए इनको वोट देने से कोई फायदा नहीं है। तो सीधे सीधे नीतीश कुमार अपने काम पे वोट मांग रहे हैं, उनके विरोधी कह रहे हैं कि इन्होंने काम नहीं किया है। अब सवाल ये है कि जनता किसको चुनेगी। मेरा फिर भी कहना, अभी पहले भी कह चुका हूं कि जनता के लिए काम की परिभाषा बदलती रहती है, वो स्टैटिक नहीं है। ऐसी नहीं है कि जनता केवल सड़क बनवाने कोई काम माने, बिजली देने कोई काम माने, या जनता बदलती रहती। मेरे ख्याल से इस वक्त जो आज की जनता है बिहार की, या सारे देश की जनता है, खासतौर से बिहार की जनता है जहां चुनाव हो रहे हैं, वो मानती है कि भाई हमको रोजगार चाहिए, हमको जीविका के साधन चाहिए, और कोरोना वाली महामारी की परिस्थिति ने भी उसके दिमाग में ये बात डाल दी है। तो इन कसौटियों पे नीतीश कुमार के काम को कसा जा रहा है। कम से कम जो चुनाव को लेकर जो सार्वजनिक बहस हो रही है, हम सब लोग जिस बात पे चर्चा करते रहते हैं, उसमें रोजगार का प्रश्न उसके केंद्र में है। बिल्कुल, लेकिन एक विमर्श ये भी यहाँ पर सेट किया गया है प्रदीप जी, जो बीजेपी वाले या जेडीयू वाले कहते रहे आरजेडी के लिए जंगल राज, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी जब आए बिहार में रैली में तो उन्होंने जंगल राज का युवराज कह दिया तेजस्वी को। सवाल यह भी खड़ा हुआ कि दूसरी तरफ से आरजेडी से यह कहा गया कि दरअसल जिसे वो लोग जंगल राज के तौर पर परिभाषित कर रहे हैं, वो गरीबों को जो कमजोर थे उन्हें आवाज दी गई थी, जिसे गलत तरीके से परिभाषित किया गया। क्या ये बात आरजेडी वाली समझा पाएंगे अपने वोटर्स को सही में? माइक ले लीजिए सर। हाँ, जिस तरह का जवाब दिया है तेजस्वी यादव ने वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि वो गरीबों की आवाज सिर्फ यादवों की आवाज बनकर क्यों रह गई? इसका जवाब जो है आरजेडी नहीं दे पाई है पिछले 15 साल में। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, बेसिक बात ये है कि बिहार में जो है जाति, पूरे देश में है जाति, जो है एक सच्चाई ऐसी है जो चुनावी राजनीति में भी उतनी ही प्रभावी है। सर, आपके विश्लेषण से मैं बहुत हद तक सहमत हूं, लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी हजारों लोगों तक पहुंचा। इस बार के चुनाव में मुद्दे भी हावी रहे, लोग बहुत मुखर होकर बोलते रहे बेरोजगारी के मसले पर, शिक्षा के मसले पर, अस्पताल के मसले पर। तो क्या मैं ये मानूं कि ये मुद्दे सिर्फ बोलने के लिए थे, जब वोट डालने जाएंगे तो फिर वही जाति की गोलबंदी हो जाएगी? नहीं, आपकी बात मैं कह रहा हूं दोनों चीजें होंगी। जाति को छोड़ देंगे लोग, ऐसा नहीं होने जा रहा। ये मुद्दे भी, ये आकांक्षा के मुद्दे, ये जो है एस्पिरेशनल जो है, जो खासतौर से यूथ है उसके मुद्दे हैं, और गरीब आदमी के। देखिए, सरकार से लोगों की एक ही अपेक्षा होती है कि हमारा जो जीवन है उसमें बदलाव आए। अगर वो बदलाव आता हुआ दिखता है या थोड़ा भी लगता है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है, तो लोग उसको फिर से लाते हैं, जो तीन बार से नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। इस बार होगा कि नहीं पता नहीं। हाँ, लेकिन ये तो निश्चित है। अभय दुबे जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है समाजशास्त्र के नजरिए से? जाति का मुद्दा चुनावी लिहाज से अंकगणित का मुद्दा है कि हम इतने जातिगत समूहों को जोड़ लेंगे, हमारे इतने वोट बन जाएंगे, इसमें से हमें 65% भी मिल गए, 70% भी मिल गए, तो हमारी गोटी लाल हो जाएगी, हमारी चुनावी गोटी लाल हो जाएगी। लेकिन जो आर्थिक मुद्दा है, रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है, विकास का सवाल है, उद्योगीकरण का सवाल है, ये रसायन शास्त्र केमिस्ट्री है, ये मतलब ये समाजशास्त्र। नीतीश कुमार जाति का मुद्दा और आर्थिक मुद्दा यानी विकास का मुद्दा दोनों को जोड़कर पेश करते रहे हैं सफलतापूर्वक, जिसकी वजह से उनको बहुमत प्राप्त, वो मुख्यमंत्री लगातार बने रहे हैं। इस बार तेजस्वी की कोशिश ये है कि नीतीश का ये जो जोड़ है इसको रप्चर कर दिया जाए, इसको भंग कर दिया जाए, मतलब ये कह दिया जाए केवल ये विकास नहीं कर पाए। विकास का दावा इनका ठीक नहीं है। अब सब कुछ वोटरों पर निर्भर है, वो किसकी बात मानता है, किसके दावे में कितना दम है। अभय जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन दरअसल महत्वपूर्ण ये है क्योंकि अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं, आखिरी चरण का मतदान जारी है। ऐसे में दर्शकों को मैं बता दूं, शाम 5 बजे से एबीपी न्यूज पर जरूर देखिएगा एग्जिट पोल। सरकार किसकी बनने जा रही है बिहार में, उसका अनुमान आपको यहीं से मिल जाएगा। जरूर जुड़े रहिएगा आज एबीपी न्यूज के साथ, और शाम 5 बजे देखिएगा एग्जिट पोल। देखते रहिए एबीपी न्यूज।
तो आखिरी चुनावी रण, इस वक्त बिहार में अंतिम चरण का मतदान, 78 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और देखिए, इस बार के विधानसभा चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्गज नेता शरद यादव, उनकी बेटी सुभाषिनी जो है, वो किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में है। मधेपुरा जिले की बिहारीगंज सीट है, यहीं से सुभाषिनी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। सुभाषिनी ने दावा किया उनकी जीत होगी बिहारीगंज सीट से। जेडीयू ने निरंजन मेहता को टिकट दिया है, यहां से लोक जनशक्ति पार्टी ने विजय सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। ये तस्वीरें आपके सामने। जिस तरह पहले और दूसरे फेज में महागठबंधन के पक्ष में वोट डले हैं, मैं आशा करती हूँ आज भी महागठबंधन के पक्ष में वोट डलेंगे और महागठबंधन की स्थिर सरकार बनेगी। और लोग इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं, और उसके लिए हमने पुरजोर जोर भी लगाया है, लोगों को समझाया है, और लोगों ने खुद ये मन बनाया है कि इस बार परिवर्तन करना है। नहीं, आपके पिताजी नहीं है क्या? इस बार कैसा रहा चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार अच्छा रहा, पिताजी नहीं है पर आज उनका आशीर्वाद भी मिला है। उन्होंने सुबह सुबह फोन करके अपना आशीर्वाद और विक्ट्री साइन दिखाकर हमारा बल बढ़ाया है। और ऐसा लगता है कि पिताजी की कमी जरूर खली थी, पर यहाँ पर अभिभावकों ने और बुजुर्गों ने जिस तरह प्रेम और सहयोग दिया है, आगे बढ़कर चुनाव लड़ा है जनता ने, तो उनके पहले चुनाव की याद मुझे आती है जब वो भी पीपल्स कैंडिडेट थे। और इस वक्त की बड़ी खबर जानिए, बिहार में तीसरे दौर के लिए जो वोटिंग हो रही है, अब तक जो मतदान के ताजा आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक सुबह 10 बजे तक 8.13% वोटिंग हो चुकी है। सुबह 10 बजे तक का ये आंकड़ा, सुबह 10 बजे तक के आंकड़े का मतलब शुरुआती 3 घंटों का ये आंकड़ा जो अभी तक सामने आया है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी तो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक शुरुआती 3 घंटों में 8.13% मतदान हुआ है। अगर आपके इलाके में भी आज मतदान का दिन है तो वोट जरूर डालिए और स्याही लगी उंगली के साथ अपनी सेल्फी एबीपी न्यूज पर हमें भेजिए, हम उसे एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे।